तो ये देखिए, ये है कॉक्सकॉम का प्लांट जिसके फूल 2-3 महीने से इस तरीके से खिल रहे हैं, और सर्दी की वजह से अब इसके पत्ते मुरझाने लगे हैं और अब इसमें सीड भी बहुत सारे बन रहे हैं। तो इस समय इसके सीड को कलेक्ट करके कहीं बो देने का टाइम है। तो इसके इस तरीके से आप सीड कलेक्ट करिए, जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं ये इसके सीड हैं। तो जो इसका फूल होता है उसके नीचे वाली साइड, इसके बहुत सारे सीड इस समय मैच्योर हो गए हैं। तो इनको कलेक्ट करके आप कहीं भी इनको डाल दीजिए, क्यारी में डाल दीजिए, किसी गमले में डाल दीजिए। तो जैसे इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा मार्च एंड अप्रैल में, मई में, तो ये इस तरीके से जहाँ भी आपने इनको डाला होगा तो ये खुद ही ग्रो हो जाएंगे जब इनका ग्रोइंग पीरियड आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट होता है जो सीड से इजीली ग्रो हो जाता है अपने आने वाले टाइम में।